छात्र संगठन एबीवीपी की चंबा इकाई द्वारा पश्चिम बंगाल में संदेशखाली की दिल दहलाने वाली घटना के विरोध में कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला भी फूंका। उनका कहना है कि संदेशखाली घटना बेहद दिल दहलाने वाली है, लेकिन इस मामले के आरोपियों पर कोई कार्रवाई न होना बेहद शर्मनाक है। भवानी ठाकुर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई चंबा इकाई अध्यक्ष। जैसे कि आप देखते हैं कि आज विद्यार्थी परिषद इकाई चंबा द्वारा पश्चिम बंगाल में हो रहे महिलाओं के पर अत्याचार के लिए आज विद्यार्थी परिषद इकाई चंबा द्वारा कैंपस में धरना प्रदर्शन किया गया और ममता बनर्जी जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है उनका पुतला जलाकर वहाँ की सरकार का बहिष्कार किया गया है। आप देख सकते हैं कि एक भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर नारियों को पूजा जाता है, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है, लेकिन उस देश का एक राज्य ऐसा है, उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, एक ऐसा राज्य है जहाँ पर नारियों के साथ बहुत ही अत्याचार किए जाते हैं, बहुत ही दुर्व्यवहार किए जाते हैं। मुझे बोलने में भी शर्म आती है कि जिस पश्चिम बंगाल जिस राज्य की महिला जिस राज्य की एक चीफ मिनिस्टर महिला है उस राज्य में ही महिलाओं का पूर्ण रूप से वहाँ पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मैं बात करूँ वहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की तो वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उस महिला पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए किसी प्रकार का भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। बात तो तब लगती है जब वहाँ पर एक महिला को एक वहाँ का नेता उसे नेता कहूँ या गुंडा कहूँ इस शेख नामक एक नेता है, मुझे शर्म आती है ऐसे नेता बोलने में जो कि घरों में जाकर महिलाओं को लाते हैं और अपने ऑफिसों में उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं, बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं।